हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। आज बात करेंगे मिकानिया माइक्रांथा यानी कि झूम लता, या इसको जापानी लता भी कहा जाता है और अमेरिकन लता भी कहा जाता है। तो ये लता जो है वो उसके पत्ते दूर करेंगे जिनके की फेस पर पड़ने वाले धब्बे यानी कि झाइया या मेलाज्मा होता है। तो जो लोग हाइपर पिगमेंटेशन से ग्रसित हैं या परेशान हैं, तो ये रेमेडी जो कि हमने इसे तैयार की है वो इन सभी आपकी परेशानियों को यानी कि झाइयों को और पिगमेंटेशन को दूर कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि इस रेमेडी को हमें किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मिकानिया माइक्रांथा की कुछ पत्तियों को, जिनको कि मैंने अच्छे से धो लिया है, अब उनको या तो आप मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लीजिए या कूट लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आपको अच्छे से छान लेना है और इसके जूस को ले लेना है, और लेकर एक चम्मच आप इसका जूस लेंगे और इसमें 2 चम्मच हनी यानी कि शहद डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी रेमेडी तैयार है आपको लगाने के लिए। तो फ्रेंड, वैसे तो ये गजब की रेमेडी है, ये हार्मोनल कनेक्टेड है और ये सिर्फ जो है स्किन प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है और स्ट्रेस भी आपको कम से कम लेना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, और रिलैक्स रखने के लिए योगा, प्राणायाम और साथ साथ अपनी खुराक का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने इसके बारे में अपनी फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें काफी डिटेल में मैंने इसके बारे में दिया हुआ है। मेरी फर्स्ट वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए जो आई बटन है उस पर आप डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। कि अपने फेस को अच्छे से सोने से पहले क्लीन कर लीजिए और इस पैक को अपने फेस पर अच्छे से लगा लीजिए और सुबह उठकर फेस को धो लीजिए, यानी कि आपको ओवरनाइट इसको लगाना है। तो इसका प्रयोग करने से आपके फेस पर जो भी झाइयां या पिगमेंटेशन है बिल्कुल साफ हो जाएगी, किंतु इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस कम लेना है और कम से कम आपको इसको डेली ही यूज करना है। तो आपको बनाकर थोड़ी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब आपको लगाना है तो उसको अच्छे से इसी प्रकार यूज कीजिए। लेकिन जहाँ तक हो आप इसको फ्रेश बनाए तो बहुत अच्छा है, किंतु 2-3 दिन के लिए आप इसको बनाकर रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या नए आए हैं तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।